नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो में। चलो इसकी जगह मैं मेरा चेहरा लगा देता हूँ, राइट। इसकी जगह मैं मेरा चेहरा लगाता हूँ, ओके। ठीक है, मज़ा आ रहा है, ओके। तो स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम क्या, हम आईपीएस सिंबल, एक नया और आखिरी वोबल, हाँ जो स्वर है अंग्रेजी भाषा का वो आखिरी। इसके साथ में मैंने आपको लगभग सारे जो स्वर हैं ना आईपीए वाले, जो कितने थे हमारे टोटल 20 थे, वो मैंने आपको सिखा दिए हैं, राइट। ये हमारा आखिरी स्वर है, इसका सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, जो मैंने सर्कल किया है। और इसकी साउंड क्या होती है, इसका साउंड होती है ऑ। ये आ नहीं है, इसकी साउंड क्या होता है, ऑ। तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यहाँ पे इसको ऐसा रख सकते हैं, ऑ। साउंड क्या होता है, ऑ, है ना। तो आइए इस वीडियो में आज हम देखते हैं कि इस चिन्ह से, इस आईपीएस सिंबल से कौन कौन से शब्द बनते हैं, उनका प्रॉपर प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन क्या है, उनका स्पेलिंग क्या है और उनका मीनिंग क्या है। तो आइए स्टार्ट करें। होप यू आर रेडी। यस, से थम्स अप। यस, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये आ गया। मैं इधर, अब मैं अपने आप को थोड़ा सा कोने पर रख लेता हूँ, राइट। इधर रख लेते हैं, राइट। तो देखिए, ये हमारा आज का आईपीएस सिंबल है ना। तो कलर थोड़ा चेंज कर ले अपना, ओके। कौन सा कलर चाहिए आज आपको, चलो ये वाला कलर यूज़ करते हैं। ये हमारा सिंबल है और इसका साउंड क्या है, ऑ, ठीक है, ऑ। तो देखिए, पहला वर्ड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखो क्या है, ये पहला क्या है, ऑ। इसको आपको क्या पढ़ना है, ऑ स। और ये क्या है, अ, और ये म। तो क्या हो गया, ऑ स म, ऑसम, ऑ सम। ऑसम मतलब इसका स्पेलिंग देख ले पहले, AWESOME, ऑसम। क्या बोलते हैं इसको, ऑसम। ऑसम मतलब होता है शानदार, शानदार, राइट। ऑसम, ऑसम मतलब शानदार। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑ क व अड, ऑकवर्ड, ठीक है। अब देखिए, यही मज़ा है आईपीएस सिंबल से पढ़ने का, ठीक है। देखिए इसका स्पेलिंग क्या है, AWKWARD। आप इसको अगर बिना आईपीएस सिंबल पढ़ो तो पहली बार शायद आप इसको ऑकवर्ड पढ़ सकते हो, ऑकवर्ड सिचुएशन बोल सकते हो, ठीक है, ऑकवर्ड पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप इसको आईपीएस सिंबल से पढ़ोगे तो क्या है, ऑकवर्ड, क्या है, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड सिचुएशन। तो आपको ये क्या लिखा है, ऑकवर्ड, है ना, ऑकवर्ड। क्या बोला है आपको, ऑकवर्ड, है ना, ऑक वर्ड, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड यानी होता है मतलब ऐसी कोई चीज जो पसंद नहीं हो, मतलब मुश्किल वाली यानी विपत्ति वाली सिचुएशन आना, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ये आपको पता होना चाहिए, ये क्या है हमारा, ज। ये है ज ऑ, तो क्या हो गया, जॉ, जॉ, ठीक है। तो जॉ मतलब क्या होता है, इसका स्पेलिंग देख लेते पहले, JAW, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि ये जो हमारे जो साउंड है वो किसके कॉम्बिनेशन से बन रहा है, ए और डब्ल्यू के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, राइट। जॉ का मतलब होता है जबड़ा, इसको जो बोलते हैं जॉ, यानी ये जबड़ा है, राइट, है हमारा जबड़ा, ओके। कभी टूट जाता है ना जॉ, है ना। उसके बाद प ओ, पॉ, ठीक है, पॉ, PAW। तो पॉ मतलब क्या होता है, जो डॉगी होते हैं ना, डॉगी, उनके जो पैर के जो आगे का जो गद्दी होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, पॉ, है ना, है ना। जैसे जो बच्चे हैं पॉ पेट्रोल देखते हो तो उनको पता है पॉ मतलब वो छोटे छोटे जो पैर होते हैं उनको पॉ बोलते हैं, पैड्स जो बोलते हैं, राइट। उसके बाद तो ये पॉ, पॉ, जॉ, पॉ, ये जबड़ा हो गया, राइट। मैं लिख नहीं रहा हूँ बट आप याद कीजिए, आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट, इसके बाद में स ट र ओ, स्ट्रॉ, ठीक है। स्ट्रॉ आपको पता होना चाहिए, आजकल नारियल पानी पीते हैं ना सब लोग, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ, है ना। तो स्ट्रॉ, एक स्ट्रॉ देते हैं ना साथ में पीने के लिए, उसे लगा के उसको स्ट्रॉ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है फ ल ओ ल अ स, फ्लॉलेस, 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 ठीक है। एफ LAWLESS, इसको क्या बोलते हैं, फ्लॉलेस, फ्लॉलेस,
फ्लॉलेस नहीं बोलना है, फ्लॉलेस, ठीक है, फ्लॉलेस। फ्लॉलेस यानी जब भी कोई, मतलब कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ जिसमें कुछ भी छोटा सा दाग नहीं हो या कोई झुर्रियाँ नहीं हो, उसको बोलते हैं फ्लॉलेस ब्यूटी फेयर, है ना। तो आई एम नॉट फ्लॉलेस, बट ठीक है, मुझे ब्यूटी क्या, पढ़ाने में ब्यूटी आती है, राइट। जिसको देखने में ब्यूटी चाहिए वो फ्लॉलेस ब्यूटी, बट मेरा जो टॉपिक में जो पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई फ्लॉ नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये फ्लॉलेस यानी इसमें कोई कमी नहीं है, मतलब, राइट। नेक्स्ट हमारा स प ओ ना स्पॉन, ठीक है, स्पॉन, ठीक है, SPAWN, स्पॉन, ठीक है। स्पॉन यानी क्या होता है, जब जो मछलियाँ या जो समुद्र में जो जीव रहते हैं ना, जब वो अंडे देते हैं, उस प्रोसेस को स्पॉन बोलते हैं, स्पॉन, ठीक है, SPAW, ठीक है। तो ये तो सिंपल है ना, AW का कॉम्बिनेशन तो सब जगह आ रहा है, देखिए अभी तक इधर भी आया, इधर भी आया, इधर भी आया, है ना, इधर भी आया AW, इधर भी आया, इधर भी आया, तो सारे वर्ड्स में हमारा AW सब में आ ही रहा है, राइट। अभी नेक्स्ट वर्ड है हमारा र, ओ, रॉ। अगर आपने मूवी देखी होंगे तो हमारी जो भारत की जो खूबी है एजेंसी, वो क्या है, रॉ, ठीक है, क्या है, रॉ। लेकिन अभी अगर हम शब्द देखें तो इसका स्पेलिंग होती है RAW, रॉ। रॉ मतलब होता है कच्चा, यानी पकानी है, पकानी हो, ठीक है। रॉ मतलब जब इसको कुछ बनाने वाले हम, जैसे मैंगो, तो रॉ मैंगो है, ठीक है, इट्स नॉट पक्का, राइट। जैसे चावल पका रहे हैं तो रॉ चावल है ना। या जैसे आप कुछ, कोई भी मटेरियल बनाते हो, तो रॉ मटेरियल, है ना। जब उसे आप कोई गुड्स बनाते हैं तो वो फिनिश गुड्स बन जाती है, ओके, तो कच्चा, है ना। इसके बाद बोलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है क्ल, क, ल, ओ, क्लॉ, क्या है, क्लॉ, क्लॉ। इसका स्पेलिंग देख लें, CLAW, क्लॉ। क्लॉ मतलब होता है जो ईगल वगैरह होते हैं ना, ईगल या जो पैरट्स होते हैं, उनके आपके पंजे देखना, उनका जो आगे का जो नेल होता है वो क्या, हल्का सा कर्व होता है, राइट, कर्व नेल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉ बोलते हैं। ये इतने टेक्निकल और क्रिटिकल वर्ड आपको समझने की जरूरत नहीं है, मैं केवल इसलिए ताकि आपको ये जो सिंबल है इसका आपको साउंड या ध्वनि आपको समझ में आए, इसलिए मैं एग्जाम्पल के लिए इस शब्द उठा रहा हूँ, ताकि एक जैसी ध्वनि वाली। तो क्लॉ इसमें भी देखिए, यहाँ पे ये, यहाँ पे AW आया, राइट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ब्रॉन, क्या है, ब्रॉन, BRAW ना, ब्रॉन, क्या है, ब्राउन नहीं है, ब्रॉन, ब्रॉन, ये क्या है, फिजिकल स्ट्रेंथ, इसका मतलब होता है फिजिकल स्ट्रेंथ, यू शुड हैव ब्रॉन अलोंग विथ योर माइंड, मतलब दिमाग के साथ में आपके फिजिकल स्ट्रेंथ भी होने चाहिए, राइट। तो इसको बोलते हैं ब्रॉन, इसका स्पेलिंग लिख लेते हैं BRAWN, ब्रॉन, ठीक है। ब्रॉन मतलब क्या होता है, ब्रॉन मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा बॉल, क्या है, बॉल, बॉल, BAWL, बॉल, ठीक है, बॉल नहीं है ये, है ना, बॉल भी नहीं है ये, क्या है, बॉल, बॉल, ठीक है। तो ये शाउट ला, इसका मीनिंग कहता है जोर से चिल्लाना, राइट, जोर से चिल्लाना, है ना। देन द लास्ट, लास्ट वर्ड इस वीडियो का है क और आ, का, क्या है, का, सा, का, का मतलब होता है अनप्लेजेंट साउंड, क्या बोलते हैं ये, का, है ना। जैसे जो बेसिकली जो कौवा होता है, क्रो होता है ना, उसकी जो ध्वनि को हम क्या बोलते हैं, का, क्या बोलते हैं, का, है ना, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, का। इसका स्पेलिंग देख लें, CAW, है ना। देखिए ये CAW तो क्या है, का, और अगर यहाँ पे OW हो जाता तो क्या होता है, काओ, है ना। लेकिन अभी हम यहाँ पे इसको कन्फ्यूज नहीं होंगे, इसका स्पेलिंग होता है CAW, ये क्या है, कॉ, है ना। इसका साउंड होता है कर्कश आवाज, मतलब जो कान को पसंद नहीं आती है उसको बोलते हैं कर्कश आवाज, काओ, काओ, काओ। ओके फ्रेंड्स, इसके साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगेन, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से सीख रहे होंगे, ये इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो था, इसके बाद हमारे सारे
अंग्रेजी के जो आईपीएस सिंबल्स वाले वोवेल सारे खत्म हो गए बॉस। अभी आपको अंग्रेजी पढ़ना है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी बताऊंगा कि लिटरली आप कैसे पढ़ते हो, और इसको आपको ऑनलाइन मैं आपको सिखाऊंगा, राइट। मैं आपको साइट का नाम बताऊंगा और प्रैक्टिकली करके देखेंगे, तो आपको मजा आएगा, डोंट वरी। सो आपको लगे ओके यार, फिर 30 मतलब 10-10 मिनट के लेक्चर हैं, मैंने कितना 31 या 32 लेक्चर्स हैं अभी तक। अगर आपने ईमानदारी से देखे होंगे ना ये लेक्चर, ईमानदारी से, ईमानदारी का मतलब होता है फुल्ली अटेंटिव होके, अगर आपने वो लेक्चर देखे हैं तो 30 लेक्चरों के बाद में नंबर वन आप अंग्रेजी पढ़ना सीख गए होंगे, ठीक है, मैं आपको गारंटी दूँ तो आप सीख गए होंगे, राइट। अगर आपको कोई तकलीफ, अगर आप मेरे इस चैलेंज को बोलते हो नहीं मुझे पढ़ना नहीं आता, इट मीन्स आपने ढंग से नहीं देखा है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने कमेंट से मुझे प्रतिक्रिया देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।